इमरान खान पाकिस्तान है। अगर आपने पाकिस्तान साढ़े 3 साल उनकी हुकूमत ने क्या काम किया? इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? सर जी मुझे आप कैमरे में बताएं हम अभी कहां पर खड़े हैं। और ये गढ़ किसका हुआ करता था? शेख साहब का, नून लीग का गढ़ है। नून लीग का गढ़ हुआ करता था और आज इमरान खान के नाम लग रहे हैं। मुझे अभी तक एक वोटर मिला है नून लीग का, क्या वजह है? बस यही वजह है, लोगों को शोर आ गया। हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे आप थोड़ा खड़े हो सकते हैं अगर आप जाते हैं? मोहतरम वोट किसका? इमरान खान का। आपका भी इमरान खान क्यों भाई? अच्छा माशाल्लाह, फिर आपने पूछना नहीं बनता। तो मैंने कहा कि वोट था ना, पूछे मुझसे मेरी जान का पूछे कि ये अच्छा ये जान किसकी है? इमरान खान की है। इमरान खान की है मेरी जान। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से थैंक यू सो मच। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डेकोरेट जो है आपका। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत है। यहाँ पे हम जहाँ पे मौजूद हैं ये है 152 और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप देख लें, आप यहाँ से गुजर के आए हैं, यहाँ पे कितने सालों से कितने इलेक्शन गुजर गए, यहाँ पे एक मैं कहता हूँ लूटने वालों की हुकूमत, लूटने वालों और उन्होंने किया क्या यहाँ पे? यहाँ पे आप देख लें एरिए का क्या है, यहाँ पे कौन सा काम हुआ है? तो ना कोई डेवलपमेंट है ना कुछ है। अब खान इन शाह यहाँ पे लोग जो है नुमाया निकलेंगे और आपने सर्वे किया होगा, इससे पहले भी मराना करते आ रहे हैं। चले मैं अभी कर लेता हूँ, अभी करता हूँ। भाईजान वोट किसका आपका? कौन सा? इधर इधर वोट किसका जी? वोट किसका? देखें हमारे लिए सारी जो पार्टी लेकिन बात ये है कि उनकी राय भी हमारे लिए काबिल है, लेकिन आपने देखना ये है कि जो शऊर है और एक बंदा जो है, अब शऊर क्या है? खान ने क्या दिया है? खान ने ये शऊर दिया है, एक बंदा पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो मानने वाली बात है। इसमें जो है अब जो है ना यहाँ पे क्या करते हैं हमारे हुक्मरान लूटने के बाद बाहर लूटा फिर बाहर चलेगी। वो मरने बचाह जो है जो खड़ा है वो जो जहाज कर रहा है और जिसमें मैं समझता हूँ कि ये जो लंदन एग्रीमेंट है, लंदन एग्रीमेंट पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और आगे भी जारी है, उसका जो जवाब है ये हमारी जो ये गयूर अवाम है, जो पाकिस्तानी कौम है, ये इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इसका जवाब जो है ना बैलेट पेपर की सूरत में देगी। और आपको ये जो खामोशी नज़र आ रही है कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, लेकिन उसकी खामोशी जो है ना ये समझ लें कि 8 फरवरी को वोट की सूरत में होगी। सर वैसे बड़ी हैरत की बात है, टिकट होल्डर तो आज तक छुपते फिर रहे हैं और आप यहाँ पर खुले आसमान में बैठे हैं, ऐसा क्यों सर? डर खौफ नहीं लग रहा आपको? पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी? मैं देखें एक तो मैं जो है ना अवामी बंदा हूँ, इधर ही रहता हूँ, इसी एरिया में मेरा घर है, इधर से पहले भी मैं कैंडिडेट था, पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा है। जो आपने क्वेश्चन किया है ये जो इंतजामिया का है, इंतजामिया का जो खौफ है ना, वो हमें जो खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो हमें बता दी है, मैं जो है ना वो समझता हूँ, हालांकि मैं खुद LLM मैंने किया हुआ है, लेकिन खान ने जो हमें शऊर दिया, खान ने जो हमारा खौफ खत्म कर दिया। जब आपके पास आपको खौफ ही नहीं होगा तो आपको किस बात का डर है?
आप देखें इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला यहां से जो है वो पीटीआई बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये जो इलाका सिमट जाएगा। ठीक हो गया जी। एक मुस्तकबिल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे आपका? एसएन। वोट किसको दोगे बड़े हो गए? इमरान खान को दोगे? अभी से तैयार हो गए हो यार? क्यों, इमरान खान में ऐसी क्या खास बात है जी? कुछ पता नहीं है इमरान खान बताएं बेटा वैसी है मामे इतने घूमते में फिर आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वोट किसका है? तुसी बुझो हम बोला। अब मैं सोचूं कि आप किसको दोगे, गेस करूं आपका? उसका चेहरा देख के अंदाज लगा। मैं कैसे गेस कर सकता हूं, आप खुद बताएं ना आपका वोट किसको है? नून लीग को वोट है। क्या बात है मेरे भाई, नून लीग को वोट देने की वजह बताएं भाई। नून लीग ने इधर काम किए, इधर काम किए, इसलिए वोट देंगे। इधर सारे काम नून लीग ने किए, पीटीआई ने इधर क्या किया है, एक भी काम दिखा। मेरी बात सुनिए, आपने वोट देना है एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है, जिसने मुल्क में काम किए। आप मुझे नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने, ठीक है, उनके मुझे कोई 3 काम बताएं जिसमें सीमेंट सरिया बजरी इस्तेमाल ना हो। 3 काम करवाए भाई, 3 काम तो नहीं कर रहे आप, 3 काम पूछ रहा हूं भाई। तो इमरान खान ने क्या किया? नहीं नहीं, वो भाई जान यहाँ पे कोई पीटीआई का बंदा है, सवाल का जवाब देना। इधर आए, इधर इधर खड़े हो जाए, आज जरा बात कर लेते हैं। आपका वोट किसको है जी? पीटीआई को। आपके लीडर ने एक बार हुकूमत संभाली, 3.5 साल हुकूमत की, आप अपने लीडर की कोई 3 काम बताएं जिसमें सीमेंट सरिया बजरी इस्तेमाल ना हो रही हो। इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाए, पहला हो गया जी, पहला आ गया जी, मेन काम। उसने जो तालीम के सिलसिले में जो काम किए हैं वो तो अब तक कोई भी नहीं कर सका। आज तक पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में जो तालीम के सिलसिले में जो उसने काम किए वो अभी आया। क्या काम, क्या काम, क्या काम? तालीम रहमतुल आलमीन, अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। एक मिनट बात सुन ले, बात सुन ले, आपको जवाब नहीं आया वो सुने आप। रहमतुल आलमीन के बारे में कोई काम नहीं सुना। उन्होंने लोगों को, आवाम को जो शोर दिया, शोर दे दिया, इससे बड़ा और कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्या बात है जी, ये 3 काम बना दिए जनाब। एक बार वजीर आजम बनाओ ना, 3 काम बना दिए। और यार उनको छोड़े, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लेना, बात सुन ले। क्यों सीमेंट बजरी? मेरी बात सुन, आप सिर्फ मुझे ये सिर्फ आपने 3 काम गिनवाने, इनको पूछना ने बता दिया। आप अपनी बात करें, आप अपने लीडर के 3 काम गिनवाए, क्या जवाब दें? इधर उधर ना जाए। पूरे मोहल्ले में सेहत कार्ड किसको इस्तेमाल करने को आए? पूरे मोहल्ले में किसको सेहत कार्ड इस्तेमाल करने को आए? अच्छा चले, मैं आप कार्ड यूज किया है जनाब, को याद पता करें। मैंने कुछ करवाया आपने? इधर आए, इधर आए मेरे भाई, आपने आपने पैसा यूज किया जनाब, किया यूज आपको, कोई 1 रुपया भी देना पड़ा सेहत के लिए आपको? ये जनाब थोड़ी शर्म कर लो। उन्होंने बताया कि हक में चल चाहे एक दिन यार, हेलो ठीक है, और कैमरे रखो, एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गुलामी की जिंदगी से एक वो बहादुरी किसी की बेहतर है? एक दिन बेहतर है गुलामी के 4 दिन जीने।